नमस्कार दोस्तों दोस्तों उत्तर प्रदेश में रिश्वत का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अब अपना काम करवाने के लिए सिस्टम में बैठे अधिकारियों को पैसे की जगह वियर की कैन देना होगा। बदायूं में लेखपाल साहब ने एक युवक से उसका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ ऐसा ही डिमांड किया है। जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तब तक रिपोर्ट को नहीं लगाया गया। दरअसल दोस्तों यह पूरा मामला बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र का है, जिसे वियर की डिमांड की गई उसका नाम सौरभ सिंह है, जो बेला डांडी गांव का रहने वाला है। सौरभ सिंह ने रेलवे में निकली वैकेंसी का आवेदन किया था। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। जब उसने प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया तो रिपोर्ट यहाँ के लेखपाल यादवेंद्र सुमन से मांगी गई, लेकिन लेखपाल साहब ने रिपोर्ट नहीं लगाई। जब सौरभ उनके पास गए उनसे रिपोर्ट लगाने की रिक्वेस्ट की तो लेखपाल साहब ने उसकी बात पर गौर नहीं किया, बात को टालते रहे। लेकिन फिर जब उसने फॉर्म की लास्ट डेट होने की बात कही तो लेखपाल साहब ने बियर की 4 कैन की मांग कर डाली। कहा जब तक बियर नहीं तब तक रिपोर्ट नहीं लगेगी। दोस्तों सौरभ सिंह तो पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास इतना पैसा कहाँ होता है कि रिश्वत की डिमांड को पूरा करे। लेकिन जब तक सौरभ कहीं से किसी तरह से बियर की 4 कैन लाकर लेखपाल को नहीं दिया तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं लगाई गई, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि एक काली रंग की कार में लेखपाल के साथ एक युवक कार में बियर की कैन रख रहा है, फिर इसके बाद दोनों बियर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों इसको लेकर सौरभ सिंह ने क्या कहा है, चलिए वो भी आप सुन लीजिए। पुलिस में इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने एक रेलवे में फॉर्म डालने के लिए सेंट्रल का जाति बनवाया था, उसका आवेदन किया था, तो कई दिनों से इनके पास चक्कर नहीं लगवा रहे हैं और जिनके लिए फोन भी नहीं उठाते हैं, तहसील जाओ मिलते नहीं है। और जब फोन पे किसी के द्वारा बताया गया कि वहाँ खड़े हैं वहाँ उनको भेज दो, वहाँ हम गए तो वहाँ पता चला कि उन्होंने उनसे ये कहा कि 5 बियर ले आओ तब आपका काम हो सकता है। मैंने कहा पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मेरे पास बियर के लिए पैसे नहीं है, और आप बाकी लोगों को लगा रहे तो मेरी भी लगा दी। इसका कल लास्ट डेट है 27, और मैंने इनको कल भी शाम कॉल किया कि मेरी सर कल लास्ट डेट है लगा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसे जाति वाती ऐसे कुछ नहीं होता है, मुझे हड़का धमका के वहाँ से लगा दिया गया। फिर मैंने आज गए तब आज उन्होंने यही कहा कि 5 बियर ले आओ अभी लगा देंगे। मेरे सामने ये मजबूरी थी कि मेरा कल लास्ट डेट है फॉर्म का, इसलिए मैं 4 बियर लेके गया। उन्होंने 4 बियर की रिश्वत लेने के बाद मेरे जाति प्रमाण पत्र मेरे पे सामने ही रिपोर्ट लगा दी तुरंत, कहीं मैं बाकी काम नहीं करूँगा, आप रिश्वत दे 4 बियर की दीजिए, मैं तुरंत रिपोर्ट लगाऊंगा आपकी जाति पर। तो सुना आपने दोस्तों, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी पद के लिए नौकरी नहीं निकलती, इसकी वजह से आज करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का पैसा किस तरह से वो अरेंज करते हैं ये उनकी फैमिली और पढ़ाई करने वाले बच्चों को पता होता है। आंखों में सपने सजाए हुए वो दिन रात ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की समस्या को सॉल्व करें, जिस पद पर वो बैठे होते हैं उस पद की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, इसके लिए सरकार उनको पैसा भी देती है। लेकिन भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया है कि बिना रिश्वत के अधिकारियों की कलम नहीं उठती है। इसके लिए जनता से रिश्वत की मांग की जाती है, कभी पैसे की मांग, कभी आलू की मांग, तो अब वियर की मांग की गई है। रिश्वत के नए नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं। इससे पहले यूपी के कन्नौज में एक दरोगा ने एक आलू व्यापारी से 5 किलो आलू की डिमांड की थी, और जब तक व्यापारी ने आलू नहीं दिया तब तक उसके काम को नहीं किया गया, और अब बदायूं से बियर की डिमांड का मामला सामने आया है। दोस्तों इससे एक बात तो साफ है कि यूपी सरकार के भ्रष्ट अधिकारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पद का रुआब दिखाकर कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पर लोग क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी आप जान लीजिए। ममता राजगढ़ ने लिखा है, बदायूं में लेखपाल ने सिर्फ 4 बियर कैन लेकर ही जाति प्रमाण पत्र बना दिया, कितना रहम दिल लेखपाल का था, इतने सस्ते में काम कर दिया। वहीं मोहम्मद अफसार लिखते हैं, बदायूं में एक लेखपाल ने केवल 4 बियर कैन के बदले जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, यह घटना दर्शाती है कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैल चुका है। एक लेखपाल का ऐसा आचरण समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर प्रश्न खड़ा करता है। इस मामले ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सरकारी कर्मचारी सही मायने में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो इस तरह से कई लोग अधिकारियों की जिम्मेदारी और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।